हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 30। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जहाँ पे टी है वहाँ ट्रू लिखना है और जहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पे आपको टी मेंशन करना है, और जहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि रॉन्ग है वहाँ पे आपको एफ लिखना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को, जो भी जीवित है उनको वाटर की नीड है सर्वाइव करने के लिए यानी अपना जीवन जीने के लिए। देन इट इज ओके, देन इट इज ट्रू। हाँ, ये बात सही है कि सारे लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन सर्वाइव करने के लिए। सेकेंड, वाटर इज अवेलेबल इक्वली इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। वाटर जो है वो अवेलेबल है, अवेलेबल में होना मीन्स मौजूद होना, इक्वली बराबर रूप से इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। क्या हमारी सारी कंट्री में बराबर रूप से वाटर अवेलेबल है? देन इट इज फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? एफ। नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड, राजस्थान रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल। क्या राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल होता है? देन इट इज फॉल्स, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या लिखा है? एफ। फोर्थ, वेल एंड ट्यूब वेल आर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या वेल और ट्यूब वेल्स जो हैं वो ग्राउंड वाटर के सोर्स है? देन इट इज ट्रू। हाँ, ये बात सही है। फिफ्थ, ऑल वाटर ऑन दी अर्थ इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या अर्थ पे जितना भी पानी है वो पीने योग्य पानी है? देन इट इज फॉल्स, नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ पे फ्रेश वाटर कम है और सॉल्टी वाटर ज़्यादा पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारा वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं है। सिक्स, द एरिया विच फेसेस शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड डेजर्ट। एक ऐसा एरिया जो क्या फेस करता है, किस चीज़ का सामना कर रहा है? वाटर शॉर्टेज का, पानी की कमी का, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, तो उसे क्या बोला जाता है? डेजर्ट। तो ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही है। तो हम क्या मेंशन करेंगे? टी, ट्रू। बी, एक्सप्लेन हाउ कैन वी स्टॉप मिसयूज ऑफ वाटर। एक्सप्लेन करो कि हम मिसयूज यानी पानी का मिसयूज कैसे बंद कर सकते हैं, उसका खराब उपयोग हम कैसे बंद कर सकते हैं। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर इन अननेसेसरी वर्क्स। हमें अननेसेसरी यानी बेकार के कामों में वाटर को यूज करना नहीं चाहिए, वेस्ट करना नहीं चाहिए, नेवर वेस्ट, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वाटर्स इम्पॉर्टेंस। हमें हमेशा वाटर की इम्पॉर्टेंस यानी कीमत को समझना चाहिए। वाइल बाथिंग वी शुड नॉट यूज शावर बिकॉज इट वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर्स। जब भी हम नहा रहे हों तो हमें बाथिंग को यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ना बाथिंग वी शुड नॉट यूज शावर। बाथिंग करते वक्त यानी कि नहाते वक्त हम लोगों को कभी भी शावर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर्स। क्योंकि ये क्या करता है? वेस्ट करता है वाटर को, बहुत सारा वाटर खराब करता है। ओके बेटा, सो आई होप वर्कशीट 30 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।